तो दोस्तों आज हमारे पास में है ऑरपेट का रूम हीटर। इसमें समस्या ये आ रही है कि ये चल नहीं रहा है और ये हीटिंग नहीं कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये क्यों नहीं चल रहा और इसमें क्या समस्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसे चालू करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा सीरीज बोर्ड और ये देखिए इसमें लाइट आ गई है लेकिन ये चालू नहीं हो रहा। यहाँ पे दो हीटर होते हैं, एक पे एक है और एक पे दो है, तो ये नहीं चल रहा बिल्कुल भी। ये देखिए बंद हो जाती है लाइट, चालू हो जाती है लेकिन चल नहीं रहा है ये, तो इसमें ये समस्या आ रही है। तो चलिए पहले इसे खोलते हैं। इसे खोलने के लिए सबसे पहले ये प्लेट यहाँ से खोलनी पड़ेगी, ये वाली प्लेट खोल दी। इसके बाद हमें इसमें नज़र आते हैं ये वाला स्विच। ये वाला स्विच जो होता है ये ऑन ऑफ के लिए होता है और इसमें कंट्रोलर है, आपको एक हीटर चलाना है या दो हीटर चलाना है। इसमें दो कॉइल लगी हुई है, एक एक किलोवाट की दो कॉइल लगी हुई है। और ये है इसका टेम्परेचर कंट्रोलर, आप जब इसे कम ज़्यादा करेंगे तो उसी हिसाब से ये अपने टाइम पे बंद होगा और चालू होगा। तो इसे थर्मास्टेट भी बोलते हैं। ये थर्मास्टेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये थर्मास्टेट चेक करूंगा। स्विच तो यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। इसके लिए आप ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर ले सकते हैं, इसमें लाइट जलनी चाहिए। तो थर्मास्टेट यदि चालू है तो वो कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा, मतलब कि लाइट चालू दिखाएगा। ये देखिए थर्मास्टेट तो ये चालू है। तो ये हमारी हीटिंग कॉइल की वायर यहाँ एक लग रही है, तो इसे मैं चेक कर लेता हूँ हीटिंग कॉइल चालू है या नहीं है। तो ये देखिए ये कॉइल की वायर यहाँ पे एक लग रही है और यहाँ पे ये कॉइल की वायर आ रही है, तो ये कॉइल चालू है, हीटिंग कॉइल दोनों ही चालू होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो हीटिंग कॉइल दोनों ही चालू है, हीटिंग कॉइल में कोई समस्या नहीं है। तो एक बार इसे खोल के देखते हैं कि इसमें क्या समस्या है, पूरा खोलेंगे तब पता चल जाएगा। तो ये निकल गया, बाकी ये यहाँ पे लगा रहेगा ऑन ऑफ स्विच और सेलेक्टर स्विच और थर्मास्टेट। तो यहाँ पे एक थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, ये थर्मल फ्यूज अगर शॉर्ट होगा तो भी ये चालू नहीं होगा। तो इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है तो ये चालू है, अगर इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है तो ये बंद है। तो ये देखिए इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है तो ये बंद है। और यहाँ पे भी है कि ये थर्मास्टेट का एक कॉन्टिन्यूटी लगा हुआ है ताकि टेम्परेचर अगर ज्यादा आए तो ये बंद हो जाए। ये देखिए ये एक थर्मल फ्यूज है और यहाँ पे भी एक थर्मास्टेट लगा हुआ है जो टेम्परेचर आने पे ये बंद चालू करता है इसको। और ये भी एक स्विचिंग का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे तीन वायर आ रही है, एक वायर ये है और एक वायर ये है, दो कॉइल की वायर है। तो ये अगर यहाँ पे काम नहीं करेगा थर्मल फ्यूज तो ये कॉइल चालू नहीं होगी, बटन में लाइट जरूर आएगी। तो ये हमें यहाँ पे चेंज करना है, ये हमारे पास में नहीं है, तो इसका हम एक अच्छा सा एक जुगाड़ करेंगे जिससे ये आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम थर्मल फ्यूज पे लगाने वाले हैं इस वायर के दो से तीन लाइन, मतलब तीन वायर के टुकड़े लगाएंगे इसमें से, इतनी पतली वायर में से, ताकि यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये आराम से फ्यूज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे शोल्डरिंग के जरिए। इस पे शोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे और इसको यहाँ पे हल्के हल्के शोल्डरिंग कर देंगे, इस पे भी शोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे। तो ये हमने इसे यहाँ पे शोल्डरिंग कर दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं ये चालू होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं इसे सीरीज में लगाऊंगा। तो ये देखिए बल्ब चालू हो गया, इसका मतलब ये चालू हो गया। अब इसको मैं डायरेक्ट फेस देके देखता हूँ, बिल्कुल चालू हो गया लेकिन पंखा नहीं चल रहा। तो पंखा क्यों नहीं चल रहा अब ये चेक करना है, इसमें पंखा चालू नहीं हुआ। पंखे के लिए हम पंखे की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे उसके वायर से। तो पंखे की ये दो वायरें आ रही हैं, एक ब्लैक कलर की और एक ये रेड कलर की। तो इन दोनों को चेक करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। इसमें वायर हीटर की भी जुड़ी हुई है इसलिए कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यू दिखाएगा, वायर निकाल के चेक करते हैं। तो ये रही पंखे की वायर, तो पंखे में कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब इसका पंखा भी खराब। तो पंखा भी इसका शॉर्ट हो गया, पंखा जल गया, तो इसका पंखा भी खराब है। तो ब्लोअर फैन में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही, तो अब हमें यहाँ पे ब्लोअर फैन चेंज करना है। उसके लिए हमें ये वाले पेच निकालने पड़ेंगे और इस ब्लोअर फैन को बाहर निकालना है और दूसरा लगाना है। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले हम ये वाली प्लेट को निकालेंगे, इसे हमें खींच के ही निकालना है। यहाँ से हम पेचकस का इस्तेमाल करेंगे, ये प्लेट निकल गई और ये वाला पेच निकालेंगे। तो ये हमारी ब्लोअर अब यहाँ पे नज़र आने लग गई। पंखे की ये पत्तियाँ तो हमारे यही काम आने वाली है, तो ये पत्तियों को मैं एक बार निकाल लेता हूँ क्योंकि इन पत्तियों से हाथ कट सकता है। ये देख रहे हो पत्तियाँ कितनी तीखी है, ये टीन की पत्तियाँ बनी हुई है, इसे बनाया गया है टीन से कट करके, तो इतनी तीखी है कि अगर ये चलते हुए अगर हम हाथ डाल लें तो हमारी उंगली भी कट सकती है। तो इसे हमने साइड में निकाल लिया। अब हम यहाँ से ये मोटर को आराम से निकाल लेंगे। तो ये हमारी मोटर यहाँ पे निकल गई और इसके साथ की मोटर हमने ये लेके आए हैं, तो इस मोटर को लगाएंगे। देखिए ओरिजिनल मोटर जो लगी हुई आती है कंपनी से उसमें और जो लोकल लगाते हैं उसमें काफ़ी फर्क होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये भी वही काम करेगी जैसे ये काम कर रही थी। बस इसमें आपको क्वालिटी का फर्क दिखेगा क्योंकि लोकल जब लेते हैं तो उसमें आपको ऐसे ही मिलेगी, इस तरह की नहीं मिलेगी। तो इसके हमें ये ब्रैकेट निकालने पड़ेंगे ताकि ये वापस इसमें फिट हो सके।
ये देखिए ये ब्रैकेट मैंने निकाल दिए हैं। अब जिस तरह से इसमें ये लगा हुआ था सेम उसी तरह से हमें इसमें इसे लगा लेना है। तो इसको अभी हमें यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से इसमें लगा लेना है, और उसके बाद में ये ब्लैक कलर के इसके बफर डालने हैं इसमें, और उसके बाद इसे भी यहाँ पे इस तरह से लगा लेना। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है और अब इसे हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब ये वायर में हमारे इंसुलेशन डालना है और ये पंखड़ी लगा लेनी है। पंखड़ी में ये यहाँ पे एक छेद है शाफ्ट पे, इस छेद से इस शाफ्ट का छेद मिलाना है और उसमें स्क्रू कस देना ताकि ये पंखड़ी कभी आगे पीछे हिले नहीं। तो ये अभी हमने इसे लगा लिया है। अब एक बार इसे चालू करके चेक करते हैं कि कहीं हमने इसे उल्टा तो नहीं लगाया। अगर ये उल्टा लगाएंगे तो इसकी हवा अंदर की तरफ से साइड से निकल जाएगी, सामने की तरफ हवा नहीं आएगी। तो ये चीज़ हमें देख लेना है। हालांकि ये लगाने से पहले देखना चाहिए, लेकिन हमने अब इसे लगा दिया है तो दोबारा एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे पहले सीरीज में ही चेक करूँगा, सीरीज में ही पता चल जाएगा इसका उल्टा है या सीधा है। तो ये हमने उल्टा लगा दिया है क्योंकि इसकी हवा इधर से और इधर से बाहर निकल रही है, सामने की तरफ नहीं आ रही। अगर इसकी हवा सामने की तरफ आएगी तो ही ये ब्लोअर काम करेगा। ये देखिए ये ब्लोअर यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ नहीं आ रही इसकी हवा, तो ये उल्टा लग गया है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे इसे वापस खोल के। तो ये जो हमने लगाया है इसे बस पलटा के लगाना है, ये घुमा के, ये मोटर को हमें उल्टी तरफ से घुमा के फिर लगाना है। तो चलो अब इसे हमें वापस खोलना पड़ेगा, दोबारा से मेहनत होगी लेकिन इस बार हम इसे जल्दी खोल लेंगे। इस बार हम ये सिर्फ यहाँ से खोलेंगे ताकि हम सिर्फ मोटर चेंज करें। A few moments later. और एक बार फिर से चेक करते हैं कि आगे से हवा आ रही है या नहीं आ रही है। अब आगे से हवा आने लग गई है। तो इस तरह से इसे लगाना होता है। तो इस वायर का इंसुलेशन इसमें लगा देते हैं। ये इसलिए होता है ताकि वायर कटे नहीं। ये जो टीन है ये काफी धार होती है, इनमें इनके कोने बड़े तीखे होते हैं जिसके वजह से वायर कट सकती है। तो ये हो गया हमारा पूरा फिटिंग। अब इसे वापस जैसे हमने निकाला था वैसे लगा देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे देखिए हैंग, ये हमारा थर्मल फ्यूज, और ये यहाँ पे थर्मोस्टेट का सेंसर है, और ये पंखा भी हमारा लग गया। अब बस इसे हमें पैक करना है, आगे की तरफ से हमें यहाँ पे हैंग कर लेना है ताकि हम पीछे की वायरिंग कर सके आराम से। तो ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमें वायरिंग कर लेनी है, जैसे वायर निकाले थे वैसे के वैसे लगा देनी है। तो ये वायरिंग कर दी। अब एक बार हम इसे सीरीज में चालू करते हैं और फिर डायरेक्ट चालू करते हैं। तो ये देखिए सीरीज चालू हो गई, ये एक पे है, ये दो पे है। तो चलिए इसे डायरेक्ट चला के देखते हैं एक बार। ये देखिए ये चालू हो गई, आवाज़ भी आ गई, और ये हमारा गर्म होने लग गया। और यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो, जैसे हमारा यहाँ पे चालू हुआ ये 2 kW के आसपास यहाँ पे आ रहे वोल्टेज, और मैं एक पे करता हूँ, एक हीटर पे लगाता हूँ तो 1 kW के आसपास आ रहे। तो ये है हमारा कंप्लीट चालू हो चुका। तो देखा दोस्तों किस तरह से हमने ये ऑर्पेट का रूम हीटर ठीक किया। इसमें पंखे की प्रॉब्लम थी और साथ में थर्मल फ्यूज की प्रॉब्लम थी जिसके वजह से ये हीट नहीं कर रहा था। जब हमने थर्मल फ्यूज चेंज करने का देखा उस समय लगा कि पंखे की प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने बाद में जाके इसका ब्लोअर फैन मोटर लेके आए और फिर इसे लगाया। तो इस तरह से आप भी रिपेयर कर सकते हैं यदि आप टेक्नीशियन है तो, और यदि आपके घर में इस तरह का कोई हीटर है अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आई है तो आप भी इस तरह से समझ सकते हैं और अपने टेक्नीशियन को बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पे सारी चीजें समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर है तो नीचे लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।